हेलो गाइस, स्वागत है आपका केओ ट्यूटोरियल्स में। यहाँ पर मैं लेकर आया हूँ एक और नया ट्यूटोरियल। यहाँ पर हम एक फूड स्टॉल क्रिएट करेंगे, जो एक ऑटोमोबाइल पे फूड स्टॉल जो होता है वो हम मॉडल अप करेंगे, मॉडल टेक्सचर और लाइट करेंगे, ई रिक्शा फूड स्टॉल यहाँ पर क्रिएट करेंगे। आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले रेंडरिंग में जाएंगे, व्यू इमेज फाइल करेंगे। व्यू इमेज फाइल करके फूड स्टॉल में जाएंगे और यहाँ पर एक रेफरेंस मैंने ओपन अप किया हुआ है। यहाँ पर ये हम मॉडल करेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले मैं ये एलिमेंट्स पहले मॉडल करूँगा। तो सबसे पहले मैं एक प्लेन ले लेता हूँ। इसके बाद टॉप व्यू में जाता हूँ, एक बॉक्स क्रिएट करता हूं। इसे थोड़ा सा मैं ऊपर शफल करता हूं, इसे कन्वर्ट टू एडिटेबल पॉली कर लेता हूं। इसके बाद यहां पर जाएंगे, यहां पर मैं कुछ कनेक्ट्स डाल देता हूं। तो मैं यहाँ पर फ्रंट व्यू में जाएंगे और दो कनेक्ट में इस तरह से असाइन अप कर लेता हूँ। इसके बाद यहाँ पर और एक यहाँ पर एक एक लूप और मैं प्लेस करता हूँ। एक लूप यहाँ पर मैं जाकर स्विफ्ट लूप भी ले सकता हूँ। मैं यहाँ पर जाकर एक स्विफ्ट लूप इस तरह से प्लेस कर लेता हूँ। अब यहाँ पर जाएंगे, एक स्विफ्ट लूप मैं यहाँ पर और एक यहाँ पर मैं इस तरह से प्लेस अप कर लेता हूँ। पॉलीगन्स में जाऊँगा और इसके पॉलीगन्स को मैं सेलेक्ट करके थोड़ा सा अंदर पुश करूंगा और इसे मैं ओके करता हूं। ये सारे पॉलीगन्स मैं यहां से सेलेक्ट करता हूं। और इसे मैं थोड़ा सा बाहर एक्सट्रूड अप कर लेता हूं। सेम यहां पर भी थोड़ा सा एक्सट्रूड अप करूंगा और इसे ओके कर लेता हूं। ये दोनों साइड से हमें इसका एक्सट्रूजन करना है और इसे ओके कर लेना। आपका जैसे ही यहाँ पर एक्सट्रूजन हो गया, अब यहाँ पर जाएंगे, एक और बॉक्स क्रिएट करेंगे टॉप व्यू से। इसे मैं रीसाइज अप करता हूँ, थोड़ा सा ऊपर पुश कर लेता हूँ। टॉप व्यू में जाएंगे,
एक बॉक्स क्रिएट करता हूँ, ऑटो ग्रिड एक्टिवेट करता हूँ। कन्वर्ट टू वेरिएबल पॉली, वर्टाइसिस में जाएंगे, थोड़े से वर्टाइसिस ऊपर में शिफ्ट करता हूँ और इसे मैं थोड़ा सा इस तरह से अंदर की साइड शफल कर लेता हूँ। इसकी एजेस में सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ पर जाकर इसे थोड़ा सा चैम्फर दे देता हूँ और इसे ओके कर देता हूँ। अब इसके बाद यहाँ पर जाएंगे और इसी को मैं यहाँ से एक मिरर कर लेता हूँ और इसकी एक यहाँ पर एक कॉपी बना लेता हूँ। कन्वर्ट टू पॉली करता हूँ, वर्टाइसिस में जाकर यहाँ पर शिफ्ट कर लेता हूँ। इसके बाद टॉप व्यू में जाएंगे, एक बार इसे सेव करेंगे। एक बॉक्स लेता हूं टॉप व्यू से, और कन्वर्ट टू पॉली करता हूँ, वर्टाइसिस में जाता हूँ, यहाँ पर शफल करता हूँ और इसे यहाँ तक पुश कर लेता हूँ। सो इसके बाद ये सेम जो ऑब्जेक्ट्स है ये हम डेफिनेटली टॉप व्यू से इसे भी यहाँ पर डुप्लीकेट कर लेंगे इस तरह से। तो ये आपका जो है ये फ्रंट पार्ट है। सो जो भी डिटेल्स हो हम डेफिनेटली बाद में क्रिएट अप करेंगे। इसके बाद यहाँ पर जाएंगे एक लाइन लेता हूं, ऑटो ग्रिड ऑफ करता हूं, एक लाइन से मैं एक शेप क्रिएट अप करता हूं, इसके दोनों वर्टाइसेस सेलेक्ट करके इस पर थोड़ा सा फिलेट देता हूं। देर आर सम टाइम्स इस तरह से इसमें प्रॉब्लम्स आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। सो ये देख सकते हो आप, सो इट्स बेटर मैं यहाँ से एक रेक्टेंगल ले लेता हूँ, कन्वर्ट टू एडिटेबल स्प्लाइन करता हूँ और वर्टाइसेस सेलेक्ट करके थोड़ा फिलेट दे देता हूँ। फिलेट देने के बाद मैं एनेबल इन व्यू पोर्ट एक्टिवेट कर लेता हूँ और इसे रेक्टेंगुलर कर लेता हूँ और काफ़ी फिलहाल के लिए काफ़ी छोटा रखेंगे। अगर आप इसके साइज देखेंगे तो ये काफी ज्यादा इसकी विड्थ और हाइट। कम रख सकते हैं।
सो मेक श्योर आप इसको परफेक्टली एडजस्ट अप करो तो ये ज़्यादा बेटर रहेगा। यहाँ पर जाएंगे, एक और रेक्टेंगल में ले लेता हूँ, यहाँ से एक और रेक्टेंगल में क्रिएट अप करता हूँ और ये रेक्टेंगल को मैं यहाँ से एक एक्सट्रूड मॉडिफायर दे देता हूँ और इसे मैं यहाँ से थोड़ा सा आगे प्लेस कर लेता हूँ। राइट क्लिक, कन्वर्ट टू एडिटेबल पॉली, वर्टाइसेस में जाएंगे, और इसे ओके करता हूँ। इसके बाद एक्सटेंडेड परमिटिव्स में जाकर एक चैम्फर बॉक्स लेता हूँ, सो एक चैम्फर बॉक्स ऑटो ग्रिड एक्टिवेट कर लेता हूँ और एक सो यू कैन इंक्रीज द लेंथ विथ एंड हाइट and reduce the fillet. So we can slightly reduce the fillet and slightly reduce the height. So select this, just give a color to it, again go down over here, let's take one more box right from the top view, save your file, just take a box. So we can just shift this box from here to here. Increase the height. So right click, कन्वर्ट टू पॉली करेंगे फिर से। सो सेलेक्ट करते हैं और इंसेट करता हूँ बाय पॉलीगन्स और इसे ओके करता हूँ, एक्सट्रूड करके थोड़ा सा अंदर शफल कर लेता हूँ और ओके कर लेता हूँ। सो सेव कर लीजिए फाइल। सो गाइज अगर आपको कोई डाउट्स हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पुट ऑन कीजिए।
इसका अगला पार्ट हम नेक्स्ट ट्यूटोरियल में कवर अप करेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस ट्यूटोरियल।